करके भेज दीजिएगा। और तो हम बात करते हैं लूप के अगले पार्ट को, डू वो लूप, मतलब डू लूप में डू वाइल एंड डू अंटिल, दोनों का काम सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। तो फोर लूप में क्या है, मतलब जो डू लूप फोर लूप में क्या है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन है, ठीक है। फोर इज हमने क्या किया, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वहां पे डिफाइन होता है कि भाई यहां से यहां तक चलना है या फिर जितने ऑब्जेक्ट है उतना बार चलना। बट डू लूप में क्या होता है कि आपके पास कंडीशन होती है कि भाई जब तक ये कंडीशन मिल रहा है तब तक चलो, कैसी कंडीशन नहीं मिले चलना बंद कर दो। जैसे एग्जाम्पल कि मैंने यहां पे नंबर्स कुछ लिख दिए हुए, तो फोर लूप पे हम बोलेंगे कि भाई 4i 1 2 चले 4 8 तक, लेकिन डू लूप पे चलूंगा कि जब तक नंबर मिलते रहे तब तक चले। जैसे नंबर मिलना बंद हो जाए, ब्लैंक आ जाए, वहां पे तुम लूप को बाहर कर दो। तो डू लूप क्या करता है, कंडीशंस पे चलता है। और डू लूप के दो पार्ट है, डू वाइल एंड डू अनटिल। तो चलिए पहले हम डू वाइल को सीखते हैं कि डू वाइल लूप क्या करता है। तो सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज यहां रखते हैं। तो हम यहां पे एक कर देते हैं डिम आर एज ए इंटीजर, और मैं आर इक्वल टू 1 डिफाइन कर देता हूं पहले से। फिर करता हूं कि फो सी डू वाइल रेंज रेंज आर डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो क्या करें, तो मैंने बोला कि इसके आगे जो है मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो चलो, या कुछ और काम करवाना चाहते हो काम कर सकते हैं। तो मैंने इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया, ठीक है। और फिर आर इक्वल टू आर प्लस 1 एंड लूप। समझ में आया सर? ओ सॉरी, इसी को कर दिया इसने। मुझे यहां पे बी करना चाहिए था। ए रहता, ए इसको बी करना था। तो हमने इसको रन किया, रन करते हैं क्या हुआ, आपने देखा इसको यहां पे नंबर आ गया। तो ये हमने इसमें कोई स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन दिया नहीं दिया, हमने कंडीशन किया कि भाई रेंज R1 की वैल्यू जैसे ही ग्रेट, मतलब कि इसकी ये वैल्यू जैसे जो वैल्यू मिल रही है वो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तब तक चले, जैसे ग्रेटर देन 0 नहीं मिले वहीं से लूप को बाहर कर दे। तो ये R क्या हुआ, तो R हमने क्योंकि 4i में तो क्या था कि एक सीक्वेंस नंबर ऑटोमेटिक था कि भाई इंटीजर ऐड होती थी, बट यहां पे तो मुझे रेंज चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक नंबर चाहिए ना, तो मैंने आर दे दिया। आर पे 1 डिफाइन किया ताकि ए ए 1 बने। फिर मैंने यहाँ पे हर बार आर पे प्लस 1 कर, तो अगली बार ए आर जो है 2 हो जाएगा, अगली बार 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो यही पे आपको ए 2 ए 3 ए 4 ए 5 होता रहेगा। प्रभुदेव जी, पंकज जी, रोहित जी एंड सतीश जी, आप भी समझ में आया, कोई डाउट इसमें? ये सब क्लियर है। प्रभुदेव जी ये क्लियर है। ओके। अब ये तो डू वाइल लूप है, डू अंटिल लूप भी यही काम करता है, लेकिन फर्क क्या है। डू वाइल लूप में मान लीजिए कि मैं पहले ही यहीं पे अगर ब्लैंक कर दिया तो फिर आपका वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं किया ना, राइट। लेकिन जब मैं डू अंटिल करूंगा
डू अनटिल करूंगा तो क्या करेगा, यहां पे एक बार काम किया, जीरो डाल दिया ना, एक बार काम किया। मतलब क्या होता है, डू वाइल लूप जो होता है, अगर मैं इसको कॉपी कर देता हूं पूरे से, यहां से यहां पे अनटिल होता हूं। फर्क देखिएगा, मैं बताया था ना फर्क, थोड़ा सा फर्क है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो डू वाइल लूप क्या करता है कि पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद काम को करता है। अनटिल लूप क्या करता है कि पहले को काम करता है फिर कंडीशन को चेक करता है। जैसे कि आप टोल ब्रिज, मैं टोल रोड जो है आप लोग यूज करते हो, तो आपको क्या होता है, एक बार तो जाते समय घुसते समय ही पैसा लग जाता है, लेकिन वापसी में क्या है कि आप पूरा टोल पार कर लेते हो तो पैसा लगता है, समझे। मतलब कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो एक बार रोड तो यूज कर चुके हो ना आप, समझ गए। तो डू वाइल में क्या है कि भाई स्टार्टिंग के समय ही मांगता है, और ये होता है कि एक बार तुम फॉलो कर लो फिर इसमें रेंज कंडीशन चेक करेगा। तो सर डू वाइल और डू अनटिल लूप के बीच में जो ये है, क्या बोलते हैं, डिफरेंस है, समझ में आया। रोहित जी समझ में आया आपको? हाँ सर क्लियर है। अब इसका यूज क्या करते हैं, चलिए जैसे हमने आपको एक यूज आपको दिखाता हूं। एक यूज इसमें ये है कि आप लोग इनपुट बॉक्स यूज करते हो ना, इनपुट बॉक्स यूज करते हो, जैसे मैंने कर दिया आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स क्यों यूज करते हैं पता है ना आपको? हाँ सर, वैल्यू डालने के लिए। एंटर योर नेम, राइट। तो इसमें क्या है कि हमने वैल्यू डाल दिया तो ठीक है, अगर मैं यहां पे मान लीजिए कि मैंने रवि डाल दिया और रवि डाल के ओके किया तो फिर ए आर पे रवि स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा ही तो हो सकता है कि मैं इसको कैंसिल कर दूं क्या जी? तो यहां पे मुझे ये क्या करना है कि नहीं, कैंसिल तो होना ही नहीं है, राइट। कैंसिल तो होना ही नहीं है, एक वैल्यू तो मिलना ही चाहिए। मतलब कि आपको तो डालना ही पड़ेगा, तो डालना कंपल्सरी है, आपको तो फिगर डालना ही पड़ेगा, बिना फिगर डाले आपको कोई गुंजाइश नहीं, राइट। तो यहां पे हम लगाएंगे डू अनटिल, अनटिल कि आर इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड फिर लूप, फिर एम एस जी बॉक्स बॉक्स, और यहां पे हम कर देंगे आर। तो जैसे हम प्ले करेंगे, अगर मैंने कैंसिल कर दिया देख ले, तो हट नहीं रहा है, या ओके कर रहा हूं तो हट नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि जब तक मैं इसमें डालूंगा नहीं तब तक ये बाहर नहीं आएगा, राइट। तो यहां पे हम डू वाइल लूप लगाते तो वर्क परफॉर्मेंस वर्क नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट टाइम आर तो ब्लैंक ही है ना जी। तो इसलिए यहां पे डू अनटिल लगाया कि एक बार यूजर को डालने का मौका दे, कि यूजर पहले डाले देन हम चेक करें, समझ गए। इसलिए हमने डू अनटिल लूप लगाया, डू वाइल लूप यहां पे नहीं लगा, क्योंकि पहले डालेगा तभी तो ना जी, समझ गए जी। क्लियर है जी सर?
इस तरह से इसका यूज करते हैं। आप जरूरी कि डू वाइल लूप का भी इस्तेमाल नहीं करते, डू वाइल लूप का भी इस्तेमाल हम करते हैं। डू वाइल लूप का इस्तेमाल की अगर बात करें, चलो एक बहुत अच्छी चीज आपको मैं बता रहा हूं डू वाइल लूप के बारे में, वो है कि आप जो है एक पर्टिकुलर फोल्डर में कितने नंबर ऑफ फाइल है ये कैसे निकालते हैं, राइट। लेकिन अगर ये अगर मैं एक चीज बताऊंगा तो फिर आपको एक और प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो बताइए सर, बताइए। मैं चाहता हूं कि मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर में सैंपल फाइल और सैंपल फाइल के अंदर में एक और सैंपल फाइल है, इसमें बहुत सारे एक्सेल की फाइल है। मैं चाहता हूं कि इसमें जितने भी एक्सेल की फाइल है उसका लिस्ट बन के आ जाए, राइट। तो उसके लिए मैंने यहां पे किया कि सब्जेक्ट RR/2 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहां पे देते हैं हम fn मतलब फाइल नेम एज ए रिजल्ट dim fn एज ए इंटीजर, और कहते हैं fn इक्वल टू, हमारे पास एक di नाम का फंक्शन होता है। तो di फंक्शन क्या करता है कि एक फोल्डर, एक पर्टिकुलर फोल्डर से फाइल, कौन से फाइल का लिस्ट जो है वो निकाल देता है। तो यहां पे किसी पर्टिकुलर फाइल का नाम डाल सकते हो या उसका एक्सटेंशन डाल दीजिए कि .xls, ठीक है। जब सर्चिंग नहीं करते हो कि आपने यहां पे ऊपर में .xls डाल दिया, यहां पे कि .xls डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे यहां भी कर सकते हो, और कॉमा हम यहां देते हैं वीवी नॉर्मल फाइल, वीवी नॉर्मल, राइट। ये सर इसमें वीवी नॉर्मल वगैरह मतलब कि नॉर्मल फाइल चाहिए ना, हिडन फाइल नहीं चाहिए, चाहे जो सिस्टम फाइल होती है वो नहीं चाहिए, रोल भी फाइल नहीं चाहिए, नॉर्मल फाइल जो होती है चाहिए। बट क्या है कि डायरेक्टिव फंक्शन क्या करेगा कि अपने अंदर इस फोल्डर की पूरी इंफॉर्मेशन को, फाइल की जितनी भी लिस्ट है वो अपने पास रख लेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहां पे ये आ रहा है कि fn क्या है, fn हमारा एक सिर्फ एक स्ट्रिंग है, माफ कीजिएगा यहां इंटीजर नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा, मैं गलती कर दिया, क्योंकि फाइल नेम तो स्ट्रिंग होता है ना, तो एक स्ट्रिंग है और एक बार में वो एक ही फाइल को लोड करेगा ना, ये एरर तो लोड करेगा नहीं। तो उसके लिए फिर हमें डू वाइल फंक्शन लगाना पड़ेगा और देना पड़ेगा कि fn नॉट इक्वल टू ब्लैंक, जब तक नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तब तक चलता है, जैसे ब्लैंक मिले वो बाहर आ जाए। और मुझे फाइल नेम कहां डालनी है, मैं C2 पे डालना चाहता हूं, एक के नीचे एक, के नीचे एक डालने का कोड तो पता ही है कि हम रेंज A1 और कौन कटा नेम कर, यहां पे A1 नहीं होगा, A65000 ना, A65000 डॉट एंड XLS अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू fn। लेकिन इसने तो एक ही फाइल डाला, फिर मैं वापस करता हूं fn इक्वल टू dir, ये क्या करेगा, दूसरी फाइल को लोड करेगा, ठीक है। ये dir फंक्शन में आ गया ना आपको सर। तो इसमें क्या होता है कि वो दूसरी फाइल को लोड कर देगा, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर पांचवी को, छठी को, जब फाइल नेम सारे खत्म हो जाएगा तो डायरेक्टली ब्लैंक लोड करेगा। तो जब fn पे ब्लैंक होगा तो सीधे
लूप बाहर हो जाएगा। क्लियर है? तो सर ऊपर वाले जो एफ एन वाली लाइन है वो तो हमारी लूप से बाहर है। तो हमने क्या बोला, जब डायरेक्टिव फंक्शन लोड होता है तो डायरेक्टिव फंक्शन अपने अंदर में रख लेता है, जब एक बार चल जाता है तो अपने पास पैच रखता है, कब तक, जब तक माइक्रोसॉफ्ट बाहर नहीं आते हैं तब तक। ओके ठीक है, इसके अंदर फीचर ऐसा है कि एक बार आपने रन कर दिया तो अपने फीचर अपने अंदर स्टोर कर लेता है स्टिल, जब तक माइक्रो से बाहर आपने निकलते हैं। राइट, क्योंकि अगर इसके अंदर लोड कर लेंगे तो एक ही बार में लोड कर लेता है सारा, तो इसके अंदर डाल देंगे तो बार बार लोड करेगा तो रिपीटेशन बढ़ जाएगी, एक फाइल कई बार आएगा कहीं खत्म नहीं होगा लूप आपका कभी। रन करते ही हमारा जितने भी फाइल का लिस्ट है वो सारा का सारा आ गया। तो इसमें जो कंटेन होता है वो सारे डाल सकते हो, जैसे कि डॉट एक्सएलएस, या फिर आप मान लीजिए कि आप ऑल फाइल करना चाहते हो तो डॉट स्टार, या कोई फाइल का नेम पता है कि 2000 जैसे फाइल का नाम 2017 है वो आ जाए, तो स्टार 2017 स्टार एक कंटेन हो गया। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ इसमें डाल सकते। ठीक है, समझ आ गया सर? जी सर। कुछ और इसमें अभी तो नहीं सर। ओके, अब मैंने इसे बताया था आपको कि ये अगर मैं बताता हूं आपको तो आपको एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट क्या करना पड़ेगा इसमें, अब याद है मैं डेटा कंसोलिडेशन कर रहा था, डेटा कंपाइल करना, उसमें एक प्रोजेक्ट पेंडिंग है आपका। तो उसमें क्या होता था कि किस तरीके से हमने डेटा को एक सीट से कॉपी पेस्ट किया, राइट। अब एक फोल्डर में इसमें क्या था कि तो सीट वाइज डेटा था, लेकिन मान लीजिए आपके पास फाइल वाइज डेटा होता है पूरे महीने, मान लो आज 28 तारीख का लास्ट डेट है इसका फरवरी का, तो मान लीजिए कि 28 फाइल आपको आ गया, 28 फाइलों का डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। अब फाइल का लिस्ट आपको मिल चुका है, आप एक एक करके फाइल ओपन करवाइए, डेटा को कॉपी पेस्ट करवाइए, प्रिंट करवाइए, डेटा कॉपी पेस्ट करवाइए, हो जाएगा सर। सर मैं ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी दे चुका हूँ, यही सेम डे आर का फंक्शन यूज करते हैं। आपने भेजा है मुझे? हाँ जी। ओके, जिन्होंने नहीं भेजा उनके लिए आप चलिए होशियार बच्चे हैं बैच के। हाँ हाँ, आपका देखा था, प्रभुदेव जी बोल रहे हैं ना, हाँ आपने पूछा तो देखा भी था मैंने, हाँ उसी बोला आपने। तो दोस्तों देखा किस तरीके से मैंने अभी सुबह सुबह 7 बजे करीब 4 बच्चों को जो कि अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस में थे उनको मैंने ट्रेनिंग दिया। ये हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग है जो कि आप अपने घर में बैठ के आराम से ले सकते हैं। हमारी क्लासेज ये मंडे टू फ्राइडे होती है, ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव सेशन गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर से, जिसमें आप अपने क्वेश्चन और हर चीज लाइव मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक क्लास लेने के लिए आप जो है मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाए एंड डेमो क्लासेस का फॉर्म भरे, एक दो क्लास डेमो ले और फिर आप हमारी डेमो अगर अच्छा लगता है तो ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो करें। अगर लगता है कि आपके पास ऑनलाइन क्लासेस लेने का टाइम नहीं है तो आप मेरी डीवीडी परचेज कर सकते हैं, इसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाए, वहां आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। जितना ज्यादा इस वीडियो को लोग देखेंगे उतनी जल्दी मुझे मोरल सपोर्ट मिलेगा और मैं और वीडियोज अपलोड करने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।